हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर एम राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक है घर बैठे आप आसान तरीकों से घर में आप किस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, उसे किस तरह से आप समझ सकते हैं और उसे कंफर्म किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे दोस्तों। तो कई बार दोस्तों हम घर में अगर कई बार होता क्या दोस्तों, प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहता है और हमारे पास साधन नहीं होता है, तो किस तरह से आप घरेलू उपायों से भी इसको आप कर सकते हो दोस्तों। इसमें आपको मैं बता दूँ, पहला दोस्तों आपको करना क्या है, विनेगर जो होता है उसमें पेशाब मिलाकर यह टेस्ट किया जाता है। और विनेगर में पेशाब मिलाने के बाद अगर रंग में बदलाव नज़र आता है तो हो सकता है कि आप गर्भवती हो। तो ये पहला इसका टेस्ट हो गया। दूसरा दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कांच के ग्लास में यूरिन डालने से कुछ देर बाद इस पर सफ़ेद परत दिखाई देगी। अगर ऐसा होता है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों, ब्लीच का प्रयोग। ब्लीच किसी बर्तन में थोड़ी सी ब्लीच ले और उसमें पेशाब मिला दें। इसके बाद अगर इसमें बुलबुले दिखाई देते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने का संकेत हो सकता है। चौथा, चीनी से टेस्ट, यानी जो शक्कर होती है उससे चीनी का प्रयोग करके फिर प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है दोस्तों। किसी बर्तन में चीनी लेकर उसमें थोड़ी पेशाब मिलाएं, अगर चीनी आपस में चिपक जाती है तो गर्भ के लक्षण हो सकते हैं। अगर चीनी घुल जाती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। पांचवा दोस्तों, साबुन का टेस्ट, यानी साबुन, घर में जो साबुन है उसका यूज़ करके साबुन में यूरिन मिलाने पर अगर बुलबुले बनते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। छठवा दोस्तों, डेटॉल टेस्ट, यानी डेटॉल जो लिक्विड आता है या साबुन है उसको आप किसी बर्तन में एक बराबर मात्रा में यूरिन और डेटॉल मिला लें। अगर डेटॉल और यूरिन घुल जाता है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन यदि यूरिन ऊपर परत बना लेता है और तैरने लगता है तो आप उस प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सातवां दोस्तों, सातवें टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो टूथपेस्ट टेस्ट है। सफ़ेद टूथपेस्ट में यूरिन सैंपल मिलाकर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर टूथपेस्ट का रंग नीला हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ध्यान रखें कि 3 घंटे तक टॉयलेट न गए हों आप, और इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री साफ सुथरी हो। साथ ही घरेलू टेस्ट के बाद डॉक्टर से परामर्श भी लेनी चाहिए। किसी गलती की वजह से या ठीक से जानकारी न होने की वजह से भी टेस्ट के परिणाम गलत भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।